हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट एंड, बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी इन द रो, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो। मतलब हमें बॉयज फाइंड आउट करने हैं, कितने बॉयज हैं एक रो में, और ये रो में हम सपोज कर लेते हैं सभी बॉयज जो हैं वो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब यहां लिखा है ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। यहां पर हमारा लेफ्ट है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। एंड ए इज 16, यहां से शुरू करेंगे, तो यहां पर ए बैठा है और वो किस नंबर पे है, 16th पोजीशन पे है। मतलब यहां से लेकर यहां तक 16 बॉयज हैं। 16 फ्रॉम द एंड, लेफ्ट एंड। एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट एंड, अब की बार राइट एंड से बोला है, तो यहां पर राइट एंड से वो भी 16 पे है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कौन है 16 एंड पे, सी। तो ये सी आ गया, ये भी 16 पोजीशन पे है और ये है इस बार राइट साइड से। आगे बी, बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए से राइट है, तो बी यहां पर ले लेते हैं हम, और कहां है फोर्थ पोजीशन पे, यहां पर। मतलब ए पहले ही 16 नंबर पे है और बी जो है उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे है, चार और आगे है। तो यहां से यहां तक कितने हो गए, 20। मतलब बी लेफ्ट से 20th पोजीशन पे आ गया। आगे लिखा है इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, इज का मतलब बी के बारे में बात हो रही है इस बार, फिर बी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब की बार सी से फिफ्थ पोजीशन पे है लेफ्ट साइड में। तो यहां पर सी है पहले से और जो बी है ये है बी, देखिए, और वो किस पोजीशन पे है, फिफ्थ, सी से आगे लेफ्ट साइड में। तो यहां पर सी किस पोजीशन पे है, 16 पोजीशन पे है राइट साइड से। तो अल्टीमेटली जो बी हुआ वो किस पोजीशन पे आ गया, 16+5 21st पोजीशन पे, और इस साइड से 20th पोजीशन पे। मतलब यहां से देखेंगे तो ये 20th पोजीशन पे आएगा, यहां से देखेंगे तो 21st पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब कितने बॉयज हो जाएंगे टोटल, हम इन दोनों को टोटल कर देंगे और एक माइनस कर देंगे। टोटल करेंगे तो 20+21 ये आ जाएंगे 41, लेकिन हमारा आंसर 41 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है बॉयज बी, ये हमने दोनों यहां से लेकर यहां भी और इस पोजीशन में भी हमने कॉमन लिया है, इसलिए एक बॉयज घट जाएगा और ये रह जाएंगे 40, और 40 हमारा आंसर बी ये सही हो जाएगा। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में यही जो ट्रिक है वो यूज करना है, जब हम यहां से यहां तक टोटल कर लेंगे, यहां से यहां तक, और ये जो कॉमन बच्चा होगा, जो यहां पर कॉमन बच्चा आएगा उसको हमने एक ही बार कंसीडर करना है। यहां से यहां तक 20 आ गए, यहां से यहां 21 आ गए, तो 21+20 41, और 41 में से एक कम हो गया, 40 बच गए। देखिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं, जब हमारे पास मान लीजिए तीन बच्चे हैं, 1 2 3, तो ये दूसरे नंबर का बच्चा यहां से भी दूसरी पोजीशन पे है और इस साइड से भी दूसरी पोजीशन पे है। मतलब जब यहां से यहां देखेंगे तो 2 आएगा, यहां से यहां देखेंगे तो 2, तो 4 बच्चे हो जाए, लेकिन यहां पर तो 3 बच्चे हैं। इसका मतलब ये जो बच्चा है वो कॉमन है दोनों साइड से, लेफ्ट भी और राइट साइड भी, इसलिए ये हमें एक बार ही कंसीडर करना है। तो 2+2 4-1 3 आंसर आएगा, तो 3 बच्चे होंगे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक बॉक्स प्रॉब्लम, जहां पर फर्स्ट रो में 13 लिखा है, 4 लिखा है, 165 लिखा है, सेकंड रो में 9 है, 5 है, 76 है, उसी तरह से थर्ड रो में क्वेश्चन मार्क है, 15 है और 21 है। हमें ये रूल फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन मार्क है या तो रो वाइज आया होगा या कॉलम वाइज आया होगा, तो किस तरह से आया होगा वो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 13 और 9 से मिलके क्वेश्चन मार्क बनता है या 21 और 15 से मिलके क्वेश्चन मार्क ऐसे बनेगा। देखिए जब हम यहाँ से देखेंगे तो 13 के बाद 4 है, 4 के बाद 165 है, क्या इन दोनों से 165 बनेगा? अगर बनेगा तो हम सेकंड रो में भी चेक करेंगे, 9 और 5 से 76 बनना चाहिए। अगर इन दोनों रो में बन गया तो हम वही ट्रेंड यूज करके जो लास्ट रो है उसमें भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे। देखिए अगर हम यहां से देखें तो 13 और 4 को मिला के 165 कैसे आएगा? तो 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तब तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो वो मिल जाएगा 169। अब 169 में हम क्या करें कि हमें 165 मिले? इसमें हम 4 माइनस करेंगे तो 4 कहां से आएगा? ये दूसरा नंबर जो है, तो ये मिल जाएगा हमें 165। मतलब हमने क्या किया, इस नंबर का स्क्वायर कर लिया और फिर माइनस कर दिया तो ये नंबर हमें मिल गया। इसी तरह से अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करें और ये माइनस करें तो क्या ये नंबर मिलेगा? 9 का स्क्वायर आएगा 81 माइनस 5, और 81 में से 5 माइनस कर दिए तो 76 आएगा। बिल्कुल यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्या ये नंबर जो पहले कॉलम में है उसका स्क्वायर माइनस दूसरे कॉलम के नंबर को माइनस कर देना है और तीसरे कॉलम में जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो यहां पर भी यही होगा, क्वेश्चन मार्क जो है उसका स्क्वायर करेंगे माइनस 15 कर देंगे, हमें मिलेगा 21। तो हम क्या करें, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम 6 लिख दें और फिर माइनस 15 कर दें तो हमें 21 मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, 6 का स्क्वायर आएगा 36 माइनस 15, 36 में से हम 15 माइनस करें तो हमें बिल्कुल 21 ही मिलेगा और यही हमारा आंसर आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या लिखा है, 6, तो 6 हमारा ऑप्शन डी में है और ये ऑप्शन सही है। देखिए हमने क्या किया, हमने इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर लिया और हमें मिला इस नंबर का स्क्वायर 165 प्लस 4 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13। 169 का स्क्वायर रूट है 13। इसी तरह से हम इस नंबर को और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 81, और 81 का स्क्वायर रूट है 9। यहां देखिए तो हम इन दोनों नंबर्स को भी ऐड कर देंगे, 15 प्लस 21 36 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट है 6, और यहां पर हम 6 ही लिख देंगे। तो हम दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन डी ही सही ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है और दो ट्राइंगल दी हुई है हमारे पास, यहां पर नंबर दिए बाहर 625, 676, 729 और यहां पर बीच में 78 है, और दूसरी ट्रायंगल में है 289, 324, 361 और बीच में है क्वेश्चन मार्क। मतलब इन तीनों नंबर्स को मिला के क्वेश्चन मार्क आया है, तो हमने भी इन तीनों नंबर से मिला के पहले 78 देखना है किस तरह से आया होगा, और वही ट्रेंड हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए अगर हम इन सभी नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो ये है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 625 का स्क्वायर रूट है 25 और 729 का स्क्वायर रूट है 27, 676 का स्क्वायर रूट होता है 26। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए, 25, 26, 27, 25, 26 और 27 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा 78, और 78 ही यहां लिखा हुआ है। मतलब क्या, हमने इन सभी के रूट निकाले और ऐड कर दिया, तो यहां पर भी वही देखते हैं, इन तीनों नंबर्स के रूट निकालते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, क्या वो ऑप्शन में मिलते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, उसके बाद 324,
इसका स्क्वायर रूट होता है 18 और 361 का स्क्वायर रूट होता है 19, मतलब 17 प्लस 18 प्लस 19 अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये आएगा 54। क्या हमारे ऑप्शन में 54 है? हमारे ऑप्शन नंबर एक में 54 दिया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम 54 लिख सकते हैं और यही हमारा ऑप्शन नंबर एक राइट ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में हमने ट्राइंगल काउंट करनी है कितनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें पता है जब एक ट्राइंगल होती है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी बनती हैं, एक दो और ये बड़ी ट्राइंगल मतलब तीन। यहां पर भी बहुत सारी जगह इस ट्राइंगल को डिवाइड किया गया है। देखिए एक जगह ये है, एक ट्राइंगल ये है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ट्राइंगल ये है, इसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ट्राइंगल ये है, इसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और ये भी यहां पर देखिए ये भी और ये इसके नीचे ये ट्राइंगल भी, मतलब ऐसी कितनी ट्राइंगल हैं जिनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक दो तीन चार पाँच छः। तो छः और एक ट्राइंगल में कितनी ट्राइंगल बन रही हैं, तीन, तो ये आ जाएगा 18 ट्राइंगल। अब आगे ये एक ट्राइंगल है अकेली है ये देखिए, और एक ट्राइंगल ये है अकेली, तो दो और ट्राइंगल आ गई हमारे पास। अब ये ट्राइंगल तो हमने काउंट कर ली थी ऊपर वाली भी ऐसे भी, लेकिन ये ट्राइंगल काउंट नहीं हुई है अभी हमारी, ये देखिए, और एक ट्राइंगल ये है, तो बाकी कितने ट्राइंगल आ गई, दो ट्राइंगल और आ गई। अब देखिए यहां पर जो ट्राइंगल है एक, इसके भी दो पार्ट किए गए हैं, तो तीन ट्राइंगल ये आ गई। अब यहां से जब हम शुरू करेंगे तो यहां तक एक ट्राइंगल ये बड़ी है और इसको भी दो हिस्सों में बांटा है, तो एक ट्राइंगल यहां से एक बड़ी ट्राइंगल, तो तीन इसके पार्ट आ गए। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, ये ट्राइंगल यहां तक जा रही है ऐसे और इसको भी फिर दो हिस्सों में बांटा गया है, तो एक ट्राइंगल ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी और एक सबसे बड़ी ट्राइंगल, तो तीन ट्राइंगल ये होंगी। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो देखिए कितनी ट्राइंगल बनती है, 18, 2, 20, 2, 22, 3, 25, 3, 28 और 3, 31, तो हमारे पास 31 ट्राइंगल बनेंगे। और देखिए यहां पर ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। और फ्रेंड्स देखिए हम एकदम से इन ट्राइंगल्स को कैसे काउंट करेंगे। यहां देखिए सबसे पहले जो ट्राइंगल है यहां पर, इसके तीन हिस्से हैं, यहां पर भी और यहां, इधर देखिए ऐसे और यहां, तो ये कितनी हो गई, एक दो तीन चार पांच छः, तो छः गुणा तीन 18 ट्राइंगल आ गई। उसके बाद एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, तो दो ट्राइंगल ये आ गए। उसके बाद देखेंगे ये ऊपर की हमने गिन ली हुई है तीन, लेकिन यहां साइड को इसको मिला के ये ट्राइंगल जो है ये हमने नहीं गिनी थी, इसी तरह से इसके सामने एक ट्राइंगल ऐसे है, इसको भी नहीं गिना था, तो दो ट्राइंगल ये हो गई। अब सबसे यहां से देखिए अंदर की तरफ जो ट्राइंगल है ये भी दो हिस्सों में बंटी है, तो तीन ट्राइंगल यहां से आएंगी, उसके बाद ये ट्राइंगल जो होगी तीन ट्राइंगल में ये आएंगी और सबसे बड़ी ट्राइंगल एक ऐसे, और ये भी तीन हिस्सों में बंटी है, ये ट्राइंगल भी तीन होंगी, तो जब हम टोटल करेंगे इसको तो 31 ही आंसर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक ट्राइंगल दी हुई है, दो ट्राइंगल और बीच में कुछ नंबर दिए हुए हैं। देखिए सबसे छोटा नंबर है 18, 18 से हमें 60 मिला है, 60 से 186 और उसके बाद 564, उसके बाद है 1698 और इसके बाद ये नंबर मिला होगा। तो देखिए 18 से 60 कैसे मिला है, अगर हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 6 ऐड कर दें तो 18 थ्री जार 54 प्लस 6 60 मिलेगा। अब इस 60 से हमें 186 कैसे मिला होगा, 60 को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करें और 6 ऐड कर दें तो 60 थ्री जार 180 प्लस 6 186। तो अगर 186 से 564 मिला है, इसका मतलब 186 इंटू 3
प्लस 6, तो 186 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 558, और 558 में 6 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 564। उसी तरह से 564 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा 1698। और इसके बाद देखिए हमारे पास आगे 1698, इसको भी हमने इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 ऐड करना है, तब कौन सा नंबर आएगा? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 5094, और 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 500। देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई किया हमने, 1698 को 1700 सपोज कर लेना है, और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5100, लेकिन हमने इसको 2 एक्स्ट्रा सपोज किया था, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस होगा, इसका मतलब जब हम इससे 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5094 में 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 15100, और ऑप्शन बी हमारा यही है, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए हमने यहां पर 18 को सबसे छोटा नंबर सपोज किया था, तब हमारे पास जाके यहां पर सबसे बड़ा नंबर आ गया 5100, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये ही सबसे छोटा नंबर हो, मतलब अगर हम इसको 4 कंसीडर करें तो 4 3 जार 12 प्लस 6 ये 18 बनेगा, तो हमारा ऑप्शन 4 भी सही हो सकता था, लेकिन इन चारों में 4 कोई ऑप्शन नहीं है, अगर 4 ऑप्शन होता तो हम 4 को भी सही ऑप्शन ले सकते थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर एक सर्कल दिया है और बाहर 4 नंबर दिए हैं और बीच में एक और नंबर दिया है, इसी तरह से यहां भी दिया है और यहां पे जो 4 नंबर दिए हैं बाहर, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बीच में है, तो इन 4 नंबर से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एडिशन स्क्वायर क्यूब करके ये क्वेश्चन मार्क आया है। हम बाकी 2 फिगर में यही चेक करेंगे किस तरह से इन 4 नंबर से जो बाहर लिखे हैं उनसे ये बीच का नंबर, जैसे यहां पर 110, यहां पर 9678 से 230 मिला है, उसी तरह से 845 और 6 से क्वेश्चन मार्क मिलेगा। देखिए नंबर यहां पर छोटे हैं, 6 है, 7 है, 3, 4, और यहां पर जो नंबर है 110 वो नंबर बड़ा है, जरूर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हुई होगी, तो अगर हम 6, 7, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तब 110 नहीं आएगा, अगर हम स्क्वायर करके देखें सब के स्क्वायर करके तो 6 का आएगा 36, 7 का 49, 3 का 9 और 4 का 16, और इन स्क्वायर को ऐड करें, जब हम इसको और इसको ऐड करें तो 85 बनेगा, 85 में हम 9 ऐड करेंगे तो 94 बनेगा, और 94 में 16 ऐड करेंगे तो 110 बनेगा, और 110 ही यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर देखेंगे 8 9 6 और 7 8 9 6 7, तो इनके स्क्वायर कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, क्या ये 230 के बराबर आएगा? तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 230 के बराबर आएगा, और 230 ही यहां पर लिखा है। उसी तरह से हम यहां पर लास्ट फिगर में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा हमें 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके 100 मिलेगा, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 141 मिलेगा, और जब चारों को ऐड कर देंगे तो 141 मिलेगा, और 141 हमारा ऑप्शन बी
सही है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो रीजनिंग के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।